ममलिकत खुदादाद के अवाम जहाँ रमजानुल मुबारक में रजाए इलाही के हुसूल के लिए रोजा रखकर सब्र करते हैं, वहीं उन्हें महंगाई और मिलावट के सैलाब का भी सामना करना पड़ता है। महंगाई ने वैसे ही गरीब अवाम की कमर तोड़ रखी है, लेकिन रमजान आते ही महंगाई मजीद 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। गिरा फरोश और महंगाई माफिया रमजान के रहमत भरे महीने को जहमत बनाने पर उतर आते हैं। रमजानुल मुबारक में वैसे तो हर शह पर ही महंगाई का राज होता है, लेकिन महंगाई माफिया का अव्वलीन हदफ फ्रूट और सब्जियां होती हैं, जहां कमीशन एजेंट्स, मिडिलमैन और रिटेलर्स की मनमानियां उरूज पर नजर आती हैं। गिरा फरोशों के नजदीक सरकारी रेट लिस्टों की कोई अहमियत नहीं है। बेशतर सब्जी फरोश और फ्रूट फरोशों के पास या तो सरकारी नक्शनामे या प्राइस लिस्ट्स मौजूद ही नहीं होती, या मौजूद हों तो दानिस्ता आवेजा नहीं करते। यही वजह है कि मार्केट के नरखों में सरकारी नरखों से जमीन आसमान का फर्क होता है। यूं तो साल भर सरकारी नरखनामों के इजरा और प्राइस चेकिंग छापों की सरगर्मियां जारी रहती हैं, लेकिन मुनाफा खोरों की मंसूबाबंदी इंतजामिया की मंसूबाबंदी पर हमेशा सबकत ले जाती है। इंतजामिया की कार्रवाइयों के दौरान मार्केटें सरकारी नरखों पर आ जाती हैं और इंतजामिया के रुख्सत होते ही मार्केट महंगाई के मामूल पर पहुँच जाती है। रमजानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से वजा करदा प्राइस कंट्रोल मंसूबे जबानी जमा खर्च के सिवा कुछ साबित नहीं हो रहे। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि इंतजामिया की मौजूदगी में मुनाफा खोर महंगाई का राज कायम करने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। टीम गिरफ्त आवाम की आवाज बनकर जहां सारा साल सरगर्म रहती है, वहीं हर साल रमजानुल मुबारक में मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी खुसूसी प्रोग्राम नशर करती है। टीम गिरफ्त ने इस बार फैसला किया कि कराची की न्यू सब्जी मंडी की सब्जी और फ्रूट मार्केट्स के रेट्स आवाम के सामने लाए जाएं, ताकि वो इलाकाई रिटेलर्स से खरीदारी के वक्त मुवाजना कर सके। इस हवाले से टीम गिरफ्त ने रुख किया कराची सब्जी मंडी का, जहां रात 2 बजे सब्जी मंडी लगती है और अलग सुबह फ्रूट मंडी का आगाज हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुर्तज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। आज के प्रोग्राम में हम गिरफ्त करने की कोशिश करेंगे उन मुनाफाखोरों को जो नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं, और इसके लिए आज हम मौजूद हैं कराची की फूड एंड वेजिटेबल मंडी में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट कमेटी के इंचार्ज इक्तदार साहब। इक्तदार साहब, ये बताएं, मुझे लगता है जैसे कि आढ़तियों का आपके साथ कोई ऐसा गठजोड़ हो चुका है कि उसके बाद अब वो आपके हाथ से निकल चुका है, कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। देखें, अभी जो मार्केट कमेटी की लिस्ट का जो सिलसिला है वो असल में थोड़ा लेट हो गया है। अगर ये प्रॉपर टाइम से फर्स्ट रमजान मुबारक या उससे पहले से अगर कंट्रोल में लाता आ जाता तो हो सकता है हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते, लेकिन क्योंकि प्राइस लिस्ट नहीं छपी या नहीं उसका मैनेज हो सका, इस वजह से ये काम थोड़ा डिले हुआ है। मुर्तजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ब्यूरो सप्लाइज के यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं और तमाम चीज़ों को यहाँ पे कितने माल आया और फिर उसके बाद वो यहाँ से कितना निकला, ये तमाम चीज़ें ये चेक करते हैं, उसी के लिहाज से ये प्राइसिस को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। सब ये बताएं कि क्या सिलसिला है, एकदम से कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद उसके रेट इतने ऊपर चले जाते हैं कि आम आदमी खरीद से बाहर निकल जाता है। चीज़ें शॉर्ट तो नहीं होती हैं, अभी कोई चीज़ अगर ऐसी शॉर्ट होती है तो उसकी सप्लाई अगर कम आ रही होती है तो वो शॉर्ट होती है। फिलहाल अभी कंडीशन ये है कि सारी चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं, तमाम चीज़ों का रेट नीचे है। टमाटर की पोजीशन अभी आपको दिखाएंगे 10 रुपये से लेकर 35 रुपये बिक रहा है, तुरई 50 रुपये से नीचे बिक रही है, तमाम आइटमों के रेट जो है ना बिल्कुल कम है। अगर ऐसा होता है कि किसी चीज़ का सीज़न नहीं होता तो वो चीज़ उसकी सप्लाई कम आती है, सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड जब बढ़ती है तो फिर उसका रेट अप हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि मार्केट की तरफ भी नाजरीन हम लोग चलते हैं, वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्शन हो रहा है तो ऑक्शन के लिए क्या पैरामीटर्स हैं और किन लोगों की निगरानी के अंदर वो ऑक्शन होता है, और फिर उसके बाद आके यहाँ से रेट्स कमिश्नर कराची तक पहुँचते हैं और कमिश्नर कराची फिर अपने जो होलसेलर्स हैं उनकी एक मार्केट के लिए वो रेट उसका तयन किया जाता है, और फिर उसके बाद बाय सम फार्मूला होता यह है कि रिटेलर्स के लिए भी एक रेट डिसाइड किया जाता है, और फिर उसके बाद कमिश्नर कराची की जो टीम है माजरत के साथ वो कोई ऐसा अमली इकदाम उठाती भी नज़र नहीं आती है आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस दफ़ा जैसे कि इक्तदार साहब ने बताया
कि कोई भी सिलसिला नज़र नहीं आ रहा कि आपके पास कोई प्राइस लिस्टें छपी हो और मौजूद हो। इंतजामिया की जानिब से फख्र से बताया जाता है कि कमिश्नर कराची की वेबसाइट और ऐप पर नरखनामे यौमिया बुनियादों पर अपलोड कर दिए जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पथारे और ठेले वाले इतने तालीम याफ्ता और साहिब हैसियत हैं कि वो स्मार्टफोन खरीद कर ऐप का इस्तेमाल भी कर सकें, और अगर किसी सूरत नरखनामा डाउनलोड कर भी लें तो प्रिंट निकलवा कर पथारों और टेबलों पर आवेजा भी करेंगे। शायद यही वजह है कि सरकारी नरखनामे अब बाजारों से रुखसत हो चुके हैं, बल्कि इतने नापैद हैं कि अवाम के जहनों से इनका तसव्वुर भी मिटता जा रहा है। निस्फ रमजान और मुबारक गुजर जाने के बावजूद सरकारी नरखनामे किसी भी बाजार में मौजूद नहीं है। कराची में अगर देखा जाए तो अवाम को लावारिस छोड़ दिया गया है इस हवाले से कि असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर पूरे, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि कमिश्नर कराची की पूरी टीम अगर कहा जाए कि ना अहल है और अवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए उन्होंने कोई इकदाम नहीं किए, तो ये बात कोई गलत नहीं हो सकती, इसको कोई झूठ ये कह नहीं सकता है। ऐसे ही है सर, आज असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल की ड्यूटी है, तो वो फिलहाल हम भी उनका वेट कर रहे थे, आए ड्यूटी से तो वो अभी गायब हैं। तो रोस्टर निकला हुआ है, एसी साहबान आते हैं हमारे साथ ड्यूटी पर होते हैं, और बाज़ औक़ात कोई एसी साहब किसी मसरूफियात की वजह से नहीं, मसरूफियात हो गई तो ड्यूटी रोस्टर निकला हुआ है, इसका मतलब है कि उनको किसी ना किसी और को रिप्लेसमेंट देना है। बिल्कुल, उनको अपने मुख्तियारकार साहब को या जो भी उनके उनके कोई भी और कुलीग आ सकते हैं, आ सकते हैं असिस्टेंट मुख्तियारकार साहब या मुख्तियारकार साहब आ सकते हैं। बिल्कुल सही। इंचार्ज ब्यूरो सप्लाईज एंड प्राइस कमेटी इख्तदार का कहना था कि आढ़ती बेकाबू है, जिसकी सबसे बड़ी वजह असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम के ऑक्शन के वक्त गैर मौजूद और सरकारी नरखनामों की अदम दस्तयाबी है। करोड़ों अफराद को रोजाना उनकी जरूरत के मुताबिक फल और सब्जियां फराहम की जाती हैं, उसके लिए आपकी गैर जिम्मेदारी इस हद तक अगर है कि आपने ये मुनासिब नहीं समझा बताना यहाँ पे ब्यूरो सप्लाईज को और मार्केट कमेटी को कि आज मैं नहीं आ सकूंगा या मेरी जगह किसी और को जो है वो ड्यूटी अंजाम देनी है, तो ये एक बहुत बड़ी नाअहली है। नाज़रीन, मार्केट में एंटर होने से पहले हमने अपने कुछ नुमाइंदों को भेजा था यहाँ पे रेट्स लेने के लिए। कितने का दाना है पुदीना? ढाई रुपए का। ये एक गड्डी ढाई रुपए की है। ये पुदीना है, ये पुदीना, ये धनिया है। और इसकी गड्डी कितने की है? ढाई रुपए की। ढाई रुपए की। ये क्या है? ये भी क्या रुपए किलो है? साठ रुपए किलो। सबसे अच्छी आलू प्याज? सबसे अच्छा वाला प्याज 600 रुपए। 600 रुपए मन, क्या रुपए किलो पड़ेगा? 15 रुपए। 15 रुपए किलो दे रहा है। ये पेटी कैसे दे रहा है? दे रहा है 300 रुपए। कितना वजन है? टमाटर किलो 15 किलो। 1500। कितने में एक किलो पड़ा? यार ये पड़ेगा 1500 ऊपर करना। 15 रुपए किलो। 1500 में सर। 1500 रुपए किलो पड़ो किलो। और पेटी कितने की है? 300। 300 रुपए की। कैसे किलो दे रहा है? कैसे 11 रुपए किलो है? 20 रुपए। और ये पूरी 20 रुपए किलो। ये कैसे दे रहा है? 140। 140 रुपए किलो। किलो। और ये कैसे दिए? ये 250। अच्छा, ये 70 रुपए किलो। 70 रुपए। ये वाली? ये वाला 30 रुपए। ये 30 रुपए। और ये? ये 70। और ये वाली? ये 70 रुपए किलो। और ये छोटी है? ये मोटी है। ये वो कैसे दिए? ये 30 रुपए। 30 रुपए। आपके पास क्या एक असेसमेंट होती है कि कौन सा रेट कैसे निकालते हैं आप? बस ये रेट, ये दुनिया रेट निकालती है, हम तो नहीं निकालते, ये लोग खरीदार ले खड़े। ग्रोअर से आप तो लेकर आ रहे हो ना, किसान से तो आप लेकर से आप? ये तो हमारा कमीशन का माल है, हमारा कोई खरीदारी नहीं है। नाज़रीन, मुख्तलिफ माशाखोर यहाँ पे मौजूद हैं। माशाखोर बेसिकली एक छोटा मिडल मैन होता है जो रिटेलर्स को आगे सप्लाई करता है, और उसी से ये तमाम जो दुकानें आप इस वक्त देख रहे हैं ये मंडी के अंदर इस वक्त बोली हो चुकी है, और बोली होने के बाद अब माशाखोर के पास माल आ गया है। यहाँ से अब रिटेलर्स मुख्तलिफ शहर से जो आते हैं वो यहाँ पर आके ख़रीदारी करते हैं। इनसे भी पूछते हैं। उठाओ शहजादी, उठाओ 25 रुपये किलो। ये देंगे 40 रुपये किलो का रेट है शहजादी मिर्च का, बेहतरीन पर केजी 40 रुपए। ये आप रिटेलर में आप जाएंगे ना शहर में तो आपको 40-50 रुपए पाव मिलेगी। यहाँ 4 गुना किलो है जी। यहाँ 40 रुपए किलो है यहाँ पर। मोरो दिखाओ, मोरो
ये वाली तो कम कमजोर है यार, कमजोर लग रही है। जर्मन का क्या रेट है? नहीं पता, हम बेचते नहीं। मोरो तुमने आज क्या 20-25 और 40-50? पंजाब वाली 40-50 है। चलो ठीक है। सब्जी मंडी से सब्जियों के रेट आना शुरू हो चुके थे। चाइना लहसुन 140 रुपए किलो, अदरक 250 रुपए किलो, बंद गोभी 25 रुपए किलो। यकीनन ये रेट रिटेल रेट से कहीं कम थे, जिसकी इंस्पेक्टर मुर्तजा कीमतों की तस्दीक भी करते जा रहे थे। अभी जो हमारे नुमाइंदे गए थे तो ये बताएं कि अभी उनको 140 रुपए किलो लहसुन मिला है, तो ये रेट आपके मुताबिक है? ये लहसुन चाइना के रेट जो है ना 140 रुपए, बिल्कुल सही मिले रेट मिले। 250 रुपए अदरक? अदरक 250 रुपए है, बिल्कुल बैंकॉक के अदरक 250 रुपए है और चाइना के अदरक भी 250 रुपए का रेट है। दोनों 250 रुपए चल रही है, दो अदरक आ रही है बैंकॉक और चाइना। ठीक है, अब लहसुन के उन्होंने 140 रुपए का जो रेट लिए ना, लहसुन दो आ रहे हैं। एक लहसुन हमारे पास 70 रुपए पर केजी है, देसी लहसुन वो ज्यादा लाइक किया जाता है, और देसी लहसुन जिस टाइम ज्यादा आ गया उसकी फसल तैयार है वो 70 रुपए पर केजी है। यहाँ पर वो भी आपको भी चल के लहसुन की क्वालिटी दिखाएंगे कि ये चाइना का लहसुन है और ये देसी लहसुन है, दोनों दिखाएंगे आपको दोनों क्वालिटियाँ। और ठीक है ना, बिल्कुल 140 रुपए सही रेट मिले हैं चाइना लहसुन के, तो चाइना का लहसुन के रेट। अच्छा, यही रेट जो है जब हम जाते हैं शहर में तो ये लहसुन का रेट तो इस वक्त तकरीबन 250 रुपए चलो है? हाँ, वहाँ पर ऐसी बात है, वो तो 100% ऊपर प्रॉफिट लेते हैं। रिटेलर महंगाई बहुत करता है, रिटेलर को एक आदत होगी है मुनाफाखोरी करने की। यहाँ से जो ये माशाखोर हैं, ये कितना ज्यादा मिडिल मैन, कितना ज्यादा अपना प्रॉफिट रखते हैं? और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज जो है ना, इनका कहना है ये है कि हम काफी माल जो है ना हम अपना बचा के घर भी नहीं लेके जा सकते। ये एक टाइम होता है, एक टाइम तक अपना प्रॉफिट निकालते हैं, माल के ऊपर निकाल लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज ये अपने रेट से कम में भी बेच देते हैं, क्योंकि इनको सुबह ये सारी चीजें अपने घर तो नहीं रखनी, इनका जितने में सौदा होता है फिर ये उसमें लॉस में भी बेच देते हैं, लेकिन ये रात में कवर कर चुके होते हैं अपनी मजदूरी। यहाँ पे इस वक्त टमाटर की एक गोली हो रही है। उसूली तौर पर कराची सब्जी मंडी में बोली यानी ऑक्शन लगते वक्त असिस्टेंट कमिश्नर्स और ब्यूरो सप्लाईज एंड प्राइसेस की टीमें वहां पर मौजूद होनी चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। पूरी मंडी आड़तियों की मनमानियों और माशाखोरों के रहमो करम पर होती है। दर हकीकत यही दो तबका कराची की सब्जी मंडी के रेट तय करते हैं। महंगाई को आसमान पर पहुँचाने की रही सही कसर रिटेलर्स निकाल लेते हैं। महंगाई के इस सारे निजाम में असिस्टेंट कमिश्नर, ब्यूरो सप्लाईज एंड प्राइसेस की टीमें कहीं नजर नहीं आती। सरकारी नर्खनामा एक ऐसी खानापूरी है जिसका हवा तो बना हुआ है, लेकिन इसका कहीं इतलाक नहीं होता। टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि सब्जी मंडी में बोली लगने के मनाजिर भी नाजरीन के सामने पेश किए जाए। यकीनन ये मनाजिर आवाम के फहमो इदराक से बालातर होंगे, लेकिन वाजे तौर पर देखा जा सकेगा कि बोली के वक्त सरकारी नुमाइंदगान वहां मौजूद नहीं थे। इस मौके पर आड़ती और माशाखोर जो चाहें आपस में तय कर लें। 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, 70 रुपए, 70 रुपए, 70 रुपए, 70 रुपए। इन्होंने 20 की 20 पेटी ले ली है जी। नजरीन, ये पूरी 20 पेटी का एक साथ सौदा हुआ है, क्योंकि ये मेन आड़ती हैं। 260 फी पेटी, 260 रुपए की, 260 रुपए की फी पेटी इन्होंने ली है। बोली लगाने वाले आड़ती ने वाजे तौर पर बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर्स और उनकी टीम रमजान में तो दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अलावा 2-3 माह में एक बार दिखाई देते हैं। हर जी शऊर इस बात का फैसला कर सकता है कि फिर महंगाई का अजदहाम बिला वजह नहीं है, जबकि कोई जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी पर मौजूद ही न हो। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे अभी आप सारे बोली लगा रहे हैं, कितनी दफ़ा देखा है आपने कि यहाँ पे मार्केट कमेटी के लोग आते हैं, आपसे सारी चीज़ें पूछते हैं और फिर उसके बाद रेट बनाए दिए जाते हैं? दूसरा है, आपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को कितनी दफ़ा आते हुए यहाँ पे देखा है? मतलब रोज़ाना की प्रैक्टिस नहीं है इन लोगों की कि रमज़ान से हट के ये आते हैं आपके पास? कभी कभार आए तो आए, 3-4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। आपके पास क्या एक असेसमेंट होती है कि कौन सा रेट कैसे निकालते हैं आप? बस ये रेट, ये दुनिया रेट निकालती है, हम तो नहीं निकालते, ये लोग खरीदार ले खड़े नहीं। ग्रोअर से आप तो लेकर आ रहे हो ना, किसान से तो आप लेकर से आप? ये तो हमारा कमीशन का माल है, हमारा कोई खरीदारी नहीं है। हाँ, ये तो कमीशन है, हम तो, हाँ ये खुला बोलिए। अच्छा, इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है? फिर नुकसान हमारा यही हो सकता है, हम तो कमीशन में डाल, नुकसान तो जिम्मेदार का हो रहा है।
टीम गिरफ्त ने अवामी शऊर को बेदार करने के लिए कराची सब्जी मंडी के सब्जियों और फ्रूट्स के रेट्स लेना शुरू कर दिए ताकि अवाम खुद ही मुवाजना कर सकें कि इलाकाई सतह पर मौजूद रिटेलर्स कितना मुनाफा वसूल कर रहे हैं। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने इंस्पेक्टर ब्यूरो सप्लाईज एंड प्राइसेज मुर्तजा को भी साथ ले लिया ताकि माशाखोरों की बताई हुई कीमतों का सरकारी नरखनामे से मुवाजना भी किया जाता रहे। बंद गोभी देखें आप, पोजीशन 25 रुपए पर केजी है, जबरदस्त। हालांकि हर साल रमजान में इसकी पोजीशन बहुत ऊपर गई हुई होती है क्योंकि इस बार से माल ज्यादा आया हुआ है, डिमांड भी इतनी नहीं है। होटल्स वगैरह काफी चीजें अभी टाइम के ऊपर बंद हो रही है, रेस्टोरेंट बंद है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम हुई है और इसकी पोजीशन 25 रुपए पर केजी के ऊपर है। सब्जी मंडी से सब्जियों के रेट आने का सिलसिला भी जारी था। बंद गोभी 25 रुपए किलो, आलू दर्जे के एतबार से 20 से 40 रुपए किलो, प्याज 20 रुपए किलो। इंस्पेक्टर मुर्तजा कीमतों की तस्दीक भी करते जा रहे थे। आज का आलू क्या भाव है दर्जा वाले का? 35 रुपए का जी। आलू क्या रेट है? आलू का 40 रुपए। 40 रुपए। और प्याज का? प्याज 20 रुपए। ये तो सारे आप यहाँ पे एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद एक एवरेज रेट निकालते हैं और एवरेज रेट निकाल के आप कमिश्नर कराची और मुख्तलिफ और लोगों को भेज देते हैं। इंस्पेक्टर मुर्तजा ने इंकशाफ किया कि सब्जी मंडी के गेटकीपर्स को ठेके पर चढ़ाने के बाद से न सिर्फ चेक एंड बैलेंस का निजाम तबाह हो चुका है बल्कि सप्लाई का रिकॉर्ड भी दरहम बरहम हो चुका है। फकत रिकवरी में बेहतर आई है और शायद इंतजामिया को रिकवरी ही से गरज थी, बाकी आदाद शुमार की तबाही से उन्हें क्या गरज। चुंगिया ना वो प्राइवेट हो गए हैं, पहले मार्केट कमेटी के इंस्पेक्टर्स वगैरह बैठते थे तो वो सारी चीजें अपडेट करते थे कि यार टमाटर के कितने ट्रक आए हैं, उनके पास नोट होता था, वो हमें मिल जाते थे। लेकिन आजकल हमें ये नहीं मिल रही, जब से ये प्राइवेट किए ना उन्होंने, ये इनके चेयरमैन साहब ने ये ठेके के ऊपर दे दिए, तो हम वहाँ पर बीच में जैसे टमाटर का एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, टमाटर 200 रुपये पर के जी का था क्योंकि फसल थी नहीं, हमारे पास लॉस हो गया था, पीछे काफ़ी नुकसान हो गया था तो कम आ रही थी बारिशों की वजह से। तो हमने जाके एक दो मतलब मैंने पूछा यहाँ चुंगे से कि यार टमाटर की कितनी सप्लाई है, तो उन्हें ये भी पता नहीं था कि सप्लाई है क्या। तो ऐसे लोग बैठे हैं जो भी आप पूछेंगे ना सप्लाई क्या जाके किया किसने, ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन और इनके जो अफसराने बाल हैं उन्होंने ये कॉन्टेक्ट के ऊपर दे दिए। पहले स्टाफ इंस्पेक्टर वगैरह बैठते थे तो वो अपडेट वगैरह कर जाते थे, हमें मिल जाती थी। देखिए उसकी वजह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये तय की थी कि शायद रिकवरी में फ्लक्चुएशन थी, जो मार्केट की जो मतलब फीस की रिकवरी थी उसमें फ्लक्चुएशन थी, कुछ कम हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ठेकेदार को बिठा देते हैं। पहले पूरा सर्वे किया ना प्राइवेट डिपार्टमेंट ने कि भाई हम ये डिमांड देंगे, ये पैसे गवर्नमेंट को देंगे हम, तो वो उस वजह से इसलिए इन्होंने प्राइवेट लोगों को दिया कि ये प्राइवेट लोग इसको करके दिखाएंगे कुछ टाइम के लिए, पूरे साल के नहीं देते, 6-6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं इनसे। उससे तो अब आप लोगों को सप्लाई का पता ही नहीं है कि कितना माल आया है कितना नहीं आया, सप्लाई का अंदाजा नहीं होता हमें कि भाई कितना माल आया है कितना नहीं आया। ये यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर कितनी दफा आए इस रमजान के दौरान? दो दफा आए बस, इसके अलावा नहीं आए यहाँ पे। तो मेरे को आए हुए, मैं आया हूँ 8 महीनों से, तो अभी तक कोई नहीं आया। सब्जी मंडी से मजीद सब्जियों के रेट भी मिलना जारी थे। टमाटर 24 रुपए किलो, फूल गोभी 50 रुपए किलो, लौकी 10 से 20 रुपए किलो, तुरई 25 रुपए किलो, बैंगन 20 से 30 रुपए किलो, भिंडी 30 से 60 रुपए किलो, करेला 40 रुपए किलो, शिमला मिर्च 40 रुपए किलो, हरा धनिया 2 रुपए गट्ठी और पालक 20 रुपए किलो। इंस्पेक्टर मुर्तजा कीमतों की तस्दीक भी करते जा रहे थे। ये लाड़काना का टमाटर है खालिद भाई, कितने तक का टमाटर आपका नीलाम हुआ है? ये लाड़काना वाला पेटी 360 रुपए तक का नीलाम हुआ, 15 केजी। इसमें भी यह क्या करते हैं, इसके बाद ये छोटा टमाटर अलग करते हैं, दर्जा अव्वल में हम ये पोजीशन देखते हैं। हुजूरी ने इसमें ये अपने 3 रुपए 5 रुपए रख के दर्जा अव्वल ये अपना निकालते हैं, लेकिन हम इसमें भी रेट निकाल के इसके बाद इसके रेट फिक्स करते हैं। ये देखें, ये टमाटर है दर्जा अव्वल का। ये भिंडी देखें, ये सुल्तानाबाद की भिंडी कहलाती है, इसमें बड़ी भिंडी है, दूसरी आ रही है वो 30 रुपए 40 रुपए, वो 25 रुपए 30 रुपए 35 रुपए पर केजी बिक्री है यहाँ पर। ये सबसे अच्छी भिंडी है जो 60 रुपए 55 रुपए पर केजी है मंडी में। शिमला मिर्च आपको पर केजी बताते हैं, शिमला मिर्च क्या रेट है अक्रम भाई? ये 40। ये देखें 40 रुपए किलो का रेट है ये आज का, एक हफ्ते पहले अभी ये जो है ना 25 रुपए पर केजी 30 रुपए पर केजी भी थी, एक दिन के लिए माल सप्लाई कम आई थी तो इसका रेट 100 रुपए कुछ गया था, लेकिन ये 25, 30, 40, 45 आज क्या रेट बता रहे हैं? 40 रुपए पर केजी। आप बाहर जाएंगे ना तो 40 रुपए आपको पाव मिलेगी, 50 रुपए एक मिलेगी या तो।
ये है रिटेलर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिटेलर मुनाफा खोरी रिटेलर तो आपको यहाँ जो रिटेलर को कंट्रोल करने के लिए सोर्स है वो आपके असिस्टेंट कमिश्नर तो वो तो आज यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहे तो वहाँ पे शहर में कहा अपने अपने सब डिविजन में कंट्रोल थोड़ा सा उनको करना पड़ेगा। कमिश्नर कराची और ब्यूरो सप्लाईज एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट्स के माबेन खींचातानी जारी है कि रिटेलर्स को प्राइस लिस्ट कौन फराहम करे। कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट वेबसाइट और ऐप पर अपलोड करके फर्ज पूरा कर दिया गया। आगे नरखनामों की तरसील ब्यूरो प्राइस के जिम्मे होगी। इस महकमाना चपकलिश का खमियाजा गरीब आवाम भुगत रही है। इस पूरे रमजान जो है वो रेट लिस्ट किसी भी बाजार में हमें मिली हो या किसी भी रिटेलर के पास मिली वेबसाइट के ऊपर कमिश्नर कराची की ये बताएं मुर्तजा भाई कि कौन सा सब्जी वाला वो वेबसाइट जाके देखेगा ऐप्स जाके डाउनलोड करेगा और फिर उसके बाद उसको जाके प्रिंट भी करवाएगा अपने खर्चे पे। कहाँ से प्रिंट करवाएगा आजकल की जो आप सूरतयाल देख रहे हैं। आने वाला जो है ना हमारे सीनियर ऑफिसर की अभी मीटिंग चल रही है अभी रमजान के हवाले से वे नहीं कर पाए। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि उनको महंगा माल फरोख किया जा रहा है तो वो कंप्लेंट किसको करेंगे जब तक उनको इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपस की जो इदारों के दरमियान चपकलिश चल पड़ती है उसका नुकसान आवाम को होता है। टीम गिफ्ट के कराची की होलसेल सब्जी मंडी से रेट लेकर आवाम के सामने पेश करने का मकसद यही है कि आवाम इलाकाई रिटेल मार्केट्स के रेट्स और सरकारी नरखनामों का मवाजना करके खरीदारी करें। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने दिन भर में सब्जी फरोशों से सब्जी के रेट मालूम करें ताकि नाजरीन पर यह हकीकत आया हो सके कि सब्जी मंडी से इलाकाई मार्केटों तक सब्जी पहुँचने तक कीमत में कितना फर्क आ जाता है। अभी क्या लगा रहे हो लहसुन? लहसन इसमें जो लिखा हुआ वही है। वो तो हमें देख के कर दिया ना बेटा तुमने वरना तो वो रेट नहीं है ना। सही है नाजरीन ये देख सकते हैं। खैर इस वक्त इनके पास लेट लिस्टें मौजूद हैं किसी तौर पर। ये बताएं कि अभी लहसन क्या हिसाब दिया? 60 रुपए पाव है। 60 रुपए पाव है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे प्राइस चेकिंग के लिए असिस्टेंट कमिश्नर या उसकी टीम कितनी दफ़ा आई है? यहाँ पे तो मेरे को आए हुए मैं आया हूँ 8 मेरों से तो अभी तक तो कोई नहीं आया। गाँव गया हुआ तो मैं 8 मेरों से इधर आया हूँ तो उसके 7 दिन हो गए आपको? 7 दिन में पहले आया वो रमजान से पहले तो कुछ पता नहीं है मेरे को। पहले रोजे से है वो तो नहीं है पता कुछ भी। कमिश्नर कराची की तरफ से एक लिस्ट आया करती थी जो रोजाना हर रमजान में आप लोग उसको देखा करते थे। इस दफा लिस्टें नहीं मौजूद, क्या वजह? इसकी वजह ये है कि लिस्टें जो है वो लोग जो छापते थे ना वो आजकल छाप ही नहीं रहे। आई ना वो आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं और बोलते हैं सही। यहाँ पे आपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को देखा कि प्राइस चेकिंग के लिए आए हैं कितनी दफा आए रमजानों में? रमजानों में 2 दफा आए। पूरे रमजान में 2 दफा? आज हो गया 14-15वां रोजा हो गया। 2 दफा आए बस। कल क्या हिसाब लगाया आपने? यार अभी स्टोर वाले जो केला दे रहे हैं 160-180 रुपए काट के दे रहे और इधर लिस्ट में हमारे को 100-90 रुपए लिस्ट में दिया है। किस दाम से बेचे हम कचरा केला बिक रहा है? आप कितने पे बेच रहे हो बताओ हम, क्योंकि यहाँ पे मालूम है 8 भी बेच रहे हैं, दाम के दाम भी बेच रहे हैं, 10-20 रुपए ऊपर भी बेच रहे हैं। हल्का भी निकलता है, 2-4 केले ज्यादा होते हैं उसके ग्राहक पैसे नहीं देता। अंगूर 250 रुपए पाव। अच्छा यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर कितनी दफा आए इस रमजान के दौरान? 2 दफा आए बस, इसके अलावा नहीं आए। कराची सब्जी मंडी में रात गुजारने के बाद सुबह के वक्त फ्रूट मंडी का आगाज हो चुका था और टीम गिरफ्त का रुख था फ्रूट मार्केट की जानिब। इस सिलसिले में राबता किया चीफ इंस्पेक्टर फ्रूट मार्केट कमेटी कमर रहमानी से। इस वक्त हमारे साथ मार्केट कमेटी कराची फ्रूट मंडी के चीफ इंस्पेक्टर मौजूद हैं। कमर साहब रात गए यहाँ पे मौजूद थे तो उस वक्त ब्यूरो ऑफ सप्लाईज के लोग भी मौजूद थे, उन्होंने यहाँ से बाकायदा से रेट्स लिए। इस वक्त क्या यहाँ पे ऑक्शन के वक्त मौजूद नहीं होते रेट ब्यूरो ऑफ सप्लाई? उसूलन जो रेट्स लेने चाहिए वो ऑक्शन के दौरान ही लेने चाहिए। ऑक्शन के बाद किस चीज़ के हम रेट लेंगे? लाजमी बात वो चला जाएगा सेकेंड पार्टी माशाखोर के पास। तो माशाखोर तो लाजमी बात है जहाँ जो है कमीशन एजेंट से खरीद को तो अपनी नई रेट्स लगाएगा। तो उस रेट इस वक्त ब्यूरो ऑफ सप्लाईज के लोग मौजूद नहीं होते? 10 रमजान से मेरा ड्यूटी लगा, मैंने उनको नहीं देखा अभी तक, आज तक नहीं देखा है। तो देखें ये कहाँ ये आएंगे नहीं आएंगे क्या करेंगे, बारह हमसे जो कॉपरेट होगा हम उतना कर सकते हैं इनके लिए। कमर रहमानी ने खुलकर एतराफ किया कि फ्रूट मंडी में भी बोली के वक्त असिस्टेंट कमिश्नर और ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस की टीम्स को मौजूद होना चाहिए और उसी वक्त रेट लेना चाहिए क्योंकि बोली के बाद रेट कंट्रोल करना महाल हो जाता है।
सब्जी की तरह फ्रूट मंडी में भी फ्रूट्स की कीमतें कमीशन एजेंट्स, मिडिल मैन और रिटेलर्स के दरमियान तय हो जाती हैं, जबकि कमिश्नर कराची के नरखनामे जबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं और न ही इनका इतलाक मुमकिन है। एक माशाखोर या मिडिल मैन जिसको बोला जाए वो हमारे साथ मौजूद है, ये बताएं अभी क्या क्या रेट्स आप लोगों ने लगाए हुए हैं मंडी में? मंडी में रेट तो मुनासिब है सब चीज़ के। क्या हिसाब लगाया हुआ है चीकू वगैरह? चीकू 70-80 रुपए किलो बिक रहा है। खरबूजा? खरबूजा 450-350 रुपए पेटी है। इतना वजन कितना है? 15-14 किलो है। और तरबूज? तरबूज 70-80 रुपए दाना, 4-5 किलो का है। 4-5 किलो का दाना, वो दाने के हिसाब से बिकता है? यहाँ पे दाने के हिसाब से बिकता है। क्या किलो पड़ जाता होगा एक अगर दाना? नॉर्मल 15-20 का। 15-20 रुपए का किलो। प्राइस डिफरेंसेस हैं ये आपको यहीं से नजर आना शुरू हो गए। फ्रूट मंडी में आढ़तियों यानी कमीशन एजेंट्स का राज है। फ्रूट मंडी की तमाम तर दुकानें उनके हाथों में हैं। बड़े जो आढ़ती हैं तो कितनी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं? नहीं, यहाँ हर दुकान में आपको तकरीबन जितनी भी दुकान है शॉप्स है ना, तमाम के तमाम कमीशन एजेंट्स के हैं। ये किसी जो है मिडिल मैन के नहीं है, मिडिल मैन तो ये लोग आके खुद बैठ जाते हैं, यहीं से लेके यहीं बेच देते हैं, ये कहलाते हैं मिडिल मैन। फ्रूट मंडी से भी फ्रूट के रेट मिलना शुरू हो गए थे। तरबूज 15 रुपए किलो, फालसा 220 रुपए किलो, सेब 50 से 200 रुपए किलो, केले 95 रुपए दर्जन से 160 रुपए दर्जन। इस वक्त हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक केले और सेब के रेट शहर के अंदर तकरीबन 300 रुपए सेब का रेट है और केला तकरीबन 100 से 150 रुपए का दर्जन मिल रहा है। यहाँ पे चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या रेट है। हम दर्जन के हिसाब से ये पेटी हम लोगों को आता है, दर्जन के हिसाब से हम लोगों को पता नहीं आगे टेले वाला कितने, 40-42 दर्जन आता है। हम लोग अभी 4,000 बोल रहे हैं लेकिन 3800 यही रेट पे बेच रहे हैं बस। इसका एक दर्जन का क्या रेट बना फिर? ये अभी तुम लोगों को खुद अंदाजा लगाएगा, 42 दर्जन ही टोटल के पेटी में 42 दर्जन केला आते हैं। नाजरीन, ये जो आपसे बार बार ये बातें की जा रही थी कि मंडी में केला मौजूद नहीं है, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि मंडी में कितना सारा केला मौजूद है और उसकी ओवर प्राइसिंग की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। कुछ साल पहले अवाम ने रमजान में सिर्फ 2 दिन फ्रूट्स का बायकॉट किया जिससे रिटेलर्स को नुकसान पहुंचा और कीमतों में कदरे कमी आई, लेकिन कमीशन एजेंट्स यानी आढ़ती अपनी जगह से टस से मस न हुए, बल्कि उन्होंने सब्जी और फ्रूट का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया। ये क्वालिटी केले की तकरीबन 100 रुपए दर्जन यहाँ मंडी में मिल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 200 रुपए या 250 रुपए दर्जन केला वो एक लामा वाला एक सीधी सीधी बात है। वजह सीधी सीधी यही है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो प्राइसेस इसी तरीके से आगे जाएंगे। फ्रूट मार्केट में केले के मस्नूई बहरान का बहाना बनाकर केले की कीमतें आसमान पर पहुंचाई गई थी, जबकि मंडी में वाफन मकदार में केले नजर आ रहे थे। यहाँ ये अलमिया देखने में आया कि किसान से मंडी पहुँचने तक केले की कीमत 2,000 रुपए फी मन थी, जबकि मंडी पहुँचते ही आढ़ती और माशाखोरों की मिली भगत से कीमत 4,300 रुपए तक जा पहुँची थी, और ये सारा शाखसाना था हुकूमती नुमाइंदों की अदम मौजूदगी का। अगर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी मुलाजिमत से वफादारी करें तो कोई वजह नहीं कि महंगाई के जिन को काबू में कर लिया जाए। नाजरीन, ये जो आपसे बार बार ये बातें की जा रही थी कि मंडी में केला मौजूद नहीं है, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि मंडी में कितना सारा केला मौजूद है और उसकी ओवर प्राइसिंग की कोई वजह नजर नहीं आ रही है। 11 से 10 किलो तक उसका पक्का वजन है, यानी फिक्स वजन इसका नहीं है। अभी क्या रेट चल रहा है इसका? इसका 1500 चल रहा है। तकरीबन 1500 रुपए इन्होंने बताया कि रेट है, और इसकी कोई नीलामी इन्होंने बताया कि नहीं हो रही है, इसको इसी तरीके से ये सेल कर रहे हैं। फ्रूट मंडी से मजीद फ्रूट्स के रेट भी हासिल हुए। पपीता 140 रुपए किलो, तरबूज 30 रुपए किलो, सेब की कीमत 50 से 150 रुपए थी। अभी क्या लगाया सेब का रेट क्या लगाया आपने? सेब जो है ये 1200 रुपए का है, वो 1000 रुपए का है, ये 800 रुपए का, ये 900 रुपए का। अच्छा, वजन क्या होता है इसके अंदर? वजन इसके अंदर तकरीबन 16-17 किलो वजन। 50 से 60। नाजरीन, यहाँ पे मंडी में इस वक्त 50 से 60 का जब रेट मिल रहा है, तो इसी को आगे जब शहर में बेचा जाता है तकरीबन 100 से 150-200 रुपए किलो तक बेचा जाता है इसी मिक्स माल को। हालांकि ये जो ये वाला माल आपने बताया कितना, क्या हिसाब?
1200 से 1300 रुपये तक ये बिकता है। इसमें जो है 16 से 17 किलो वजन है। 16 से 17 किलो वजन, मतलब ये 90 रुपये मंडी में पड़ेगा। टीम गिरफ्त ने सब्जी की तरह फ्रूट मंडी से भी रेट लेकर आवाम के सामने पेश कर दिए, जिसका मकसद आवाम को इलाकाई मार्केट्स के रेट से मवाजने में आसानी पैदा करना था। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने मजीद पेशरफ्त करते हुए इस फ्रूट फरोशों से भी रेट लेकर आवाम के सामने वाजे किया जाए कि मंडी के मुकाबले में इलाकाई मार्केट्स के रेट्स में कितना फर्क है। आप सेब क्या हिसाब दिया? सेब 120 के हिसाब से, 120 के हिसाब से दिया। और ये खरबूजा वगैरह? खरबूजा 60 रुपए किलो। टीम गिरफ्त के आज के सर्वे से ये बात साबित हो चुकी थी कि सब्जी और फ्रूट मंडियों में कमीशन एजेंट्स, मिडिल मैन और रिटेलर्स को खुली आजादी हासिल है, जो चाहे रेट्स तय करें। इन पर जांच पड़ताल का कोई निजाम लागू नहीं होता। कमिश्नर कराची के असिस्टेंट कमिश्नर्स और ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस बोली के वक्त मौजूद ही नहीं होते। इस गैर हाजिरी को गफलत कहा जाए या मिली भगत, नाजरीन खुद फैसला कर सकते हैं। नाजरी, इस वक्त हम जवाद मुजफ्फर साहब के पास गए थे, जो कि एडिशनल कमिश्नर कराची 2 हैं, और प्राइसिंग के हवाले से उन्होंने बताया कि एडिशनल कमिश्नर 1 या तो इसका जवाब दे सकते हैं ज़्यादा बेहतर, या फिर कमिश्नर साहब खुद जवाब देंगे। तो अभी हमने कमिश्नर कराची साहब को अपना राबता नंबर वगैरह पहुँचा दिया इनके PAS को। अब देखना ये है कि कल तक ये हमसे खुद से राबता करते हैं या नहीं करते, और इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कमिश्नर कराची की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए किस हद तक संजीदा नजर आते हैं। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि क्या जिले डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर सिर्फ जुर्माने वसूल करने की आमाजगा है। एक तरफ गैर हकीकी नर्खनामे मुरतब करना और दूसरा सोने पर सुहागा ये कि उनकी अदम दस्तियाबी। इस सारे मंजरनामे का मकसद तो ऐसा लगता है कि जैसे दुकानदारों को जानते बूझते करप्शन की जानेब धकेल कर उनसे जुर्मानों के उन्वान से सरकारी भत्ताखोरी का बाजार गर्म करना असल मकसद है। कमिश्नर कराची की जानेब से रोजाना की बुनियाद पर फलों और सब्जियों के रेट लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें मंडी के भाव के मुकाबले में किसी भी सब्जी या फल को मजीद 3 रुपए के इजाफे के साथ मार्केट में या रिटेलर को फरोख करने की इजाजत होती है। मसलन अगर कोई दुकानदार 10 किलो अमरूद मंडी से सरकारी नर्ख पर खरीदता है, तो ऐसे में 1000 रुपए की खरीदारी पर 10 किलो के वजन को मंडी से दुकान तक ले जाने और फरोख करने पर फी किलो 3 रुपए का मुनाफा सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक बना। यानी उसने 1000 रुपए की खरीदारी की और 1030 रुपए में इसे माल फरोख करना है, आसान अल्फाज में 30 रुपए का मुनाफा। अब अगर कोई दुकानदार 10-10 किलो की मुख्तलिफ 10 चीज़ें 100 रुपए के रेट से मंडी से खरीदता है, तो उसकी लागत आएगी 10,000 रुपए। इसी तरह फी 1,000 रुपए, 30 रुपए का मुनाफा है, मतलब 10 ضرب 30 बराबर है 300 रुपए के, यानी योमिया 300 रुपए आमदनी। महीने के 30 दिन पर 300 रुपए को ज़र्ब दें तो 9,000 रुपए बनते हैं, जो कि उसकी माहाना आमदनी है। यानी कमिश्नर कराची एक सब्जी या फल का कारोबार करने वाले को 9,000 रुपए महाना आमदनी देना चाहते हैं, जबकि हुकूमत ने मजदूर की कम से कम तनख्वाह 17,000 रुपए मुकर्रर की हुई है। इस तरीके से एक सब्जी या फल का कारोबार करने वाले के साथ खुद कमिश्नर कराची ज्यादती करना चाह रहे हैं। अगर आवाम हकीकत में महंगाई का तोड़ चाहते हैं तो महंगाई माफिया का बायकॉट करना होगा। अगर महंगी अशियाए खुरनोश न खरीदने का फैसला कर लिया जाए और कुछ अरसा सादगी से गुजारा किया जाए तो मुनाफा खोरों की कमर तोड़ी जा सकती है। लेकिन ये बात तो तय है कि महंगाई माफिया के खिलाफ संजीदा पेशरफ्त किए बगैर हर साल के महंगाई सैलाब से निमटना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जब तक मुनाफाखोरों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जाती, टीम गिरफ्त आवाम दुश्मन अनासिर को बेनकाब करती रहेगी।